हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं काले चने और इसको डालेंगे अब हम मिक्सर जार में। इसको हमने ओवरनाइट भिगोकर रख लिया था, अब इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें डाल देंगे कुछ लहसुन की कलियाँ और कुछ टुकड़े डालेंगे हम अदरक के और इसे अब हम पीस लेते हैं। तो देखिए पीस चुका है, अब हम इसे एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से फेटेंगे। फेटने से जो हमारा नाश्ता है ना वो बहुत ही फूला फूला बनेगा और इसमें हमें कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, टेस्ट अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम कुटी हुई काली मिर्च और डाल दिया यहाँ पर जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मिक्स हो चुका। अब हम यहाँ पर एक जाली वाली छन्नी लेंगे और उस पर हम ऑयल ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना नाश्ता पकने के लिए रखेंगे, हम इसे स्टीम करेंगे। तो देखिए अब हम इसे ढककर रख देते हैं, लगभग 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। तो देखिए अब ये स्टीम हो चुका है। इसे अब हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से ही खा सकते हैं, नहीं तो हम इसे हल्का सा ऑयल डालकर इसे एक तड़का देंगे। इसमें हमने डाल दिया है राई के दाने और कुछ करी पत्ते। और हम इसमें एक तड़का लगा देते हैं शैलो की तरह। जिसको हेल्दी खाना है वो तो ऐसे ही खा सकता है, नहीं तो थोड़ी सा हम तड़का लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस नाश्ता को रेडी करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसे बनाना तो बनता है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो इसे बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।